नमस्कार बाप प्रणाम बाप भोजपुरिया जहान गोड़ लगा था पाय लगी के साथ ही हम बानी रहा और दोस्त रहा और होस्ट यानी जितेंद्र सिंह अंशु। तो भैया हम बानी आप सबके बीच अपन सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम के माध्यम से जेकर नाम बा कॉलेज हाजिर बने के आपके सबसे ज्यादा चहेता चैनल यानी M1 भोजपुरी भोजपुरिया। हम बानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो देर कोना बाती की बात, काका एक कैंपस में प्रतिभा छिपल बा, काका गुड़वान यहाँ के स्टूडेंट लोग होखी, ये सब कुछ देखे के मिली, सब कुछ जाने के मिली और ए लोग के मंथन के बाद हमनी के देखल जाए कि काका यहाँ नगीना मौजूद बने। आई बढ़े के आगे और बुलावल जाए यहाँ के वो स्टूडेंट के जे आपके मुख पे लाई मुस्कान और दिल में जगाई एगो अद्भुत एहसास। आई देर कोना बाती की बात, क्या नाम बरा और बताएं? मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है पर दोस्त मुझे कल्किन रैपर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कल्किन रैपर। एकदम बिना देर के लिए शुरू करी और सब एकदम जोरदार ताली बजाए, क्यों एकदम उदास ना करे बन जाके शुरू हो जाए। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, मान ली ठान ली, जो भी बोला सब सही, गम नहीं अब नहीं, जिंदगी भर चाहिए था ग्रैमी पर वो तो मिलने वाला है नहीं, ना है मेरे पास कोई मेडल ना कोई छोटी मोटी ट्रॉफी, टूटा लोटा किस्मत खोटा, पुलिस ने पकड़ा मारा सोटा, सब कुछ लगा दिया दाओ पे, कुरे को चप्पल तक नहीं पाओ में, तुम लोग बहुत देर से खा रहे भाव में, अब थोड़ा सा तो खाओ में, हट जा बे आने दे लकी तू अपुन भी हूँ। बकवास है दोस्तों की बातों की बकबक में बीता इस बच्चे का बचपन, तेरी हफ्ते की पॉकेट मनी हजार मेरी साल भर की थी नहीं बचपन, बदकानी हरकत से बचते बचाते बुजुर्गों की बाहों में बड़े हुए हैं, मेरी माँ ने पिलाया मुझे अपना दूध, तेरी बेबी सीटर ने तुझे पैकेट बंद, बस कर बे बुद्धू कितना बोलेगा बड़ बड़ करके कर गया बोल बच्चन, कुपोषण से हाथ पांव सीखे अपने पर हिम्मत ऐसे जैसे छाती छप्पन, बार बार बोले बोलते बेटा तू बस ये बड़ बोला रे पर मत बन, अरे पढ़ना लिखना मेरे के चुचरे चचापन, फॉलो करते अपना पैशन, पूरा है करना जो देखा है सपना, वो राजा का सिंहासन कल सही अपना, तू देख लेना अपना या खुद को ले अपना या कड़े पीछे छतरी लेके, क्योंकि कल अपने को धूपने तो अपना, फिर भी मोहल्ले का हर लड़का करता अपने कोई सलाम है, क्योंकि यह पुलिस भगवान है। मैंने जी राहुल स्वागत बटे, कहाँ के रहे वाला बने रहूँगा? हमारे जिला बलिया। बलिया जिला घर बाबा, बलिया के क्या प्रसिद्ध? एक तब भिरगू बाबा प्रसिद्ध बाना और एक बलिया हमेशा से बागी रहल बा। बागी रहल बटे बलिया के मंगल पांडे जी, सब इतिहास बा वहाँ से जुड़ल। बलिया के हमनी के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रहल इंजीनियरिंग में ही ना पढ़ावल जाता यहाँ के, जाने की चाहिए से हमनी के इतिहास बाटे। सोची बलिया के पृष्ठभूमि कितना, एक से एक सपूतन के पैदा के लिए भाई, एक से एक वीर होनहार गुणवान लोग जानल जाने प्रसिद्ध बाने, तो वहाँ के दिल जब लगौले बानी तो जानी ओकरा बारे में। इंजीनियरिंग में तनी मनी इहो सीख ले तब बाद में बड़ा काम में आई। क्या पढ़ाई यहाँ से कर रहा बानी? मैकेनिकल इंजीनियर रहूं, मैकेनिकल बनना चाहनी। वाह, हमरो के लगता करे के पड़ी भैया, और क्या करे वाला बानी है? यहां मैं अपनी स्वरचित कविता और डॉक्टर कुमार विश्वास जी की भी एक कविता पेश करना चाहूंगा। अच्छा, खुद से आप लिखते हैं? खुद से भी लिखते हैं और उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड है, तो है। कि वो मेरे डायरेक्ट मैसेज को देख अक्सर रूठ जाती है, हर एक मैसेज पे वो रिएक्ट करना भूल जाती है, मोहब्बत है और उनसे है, उन्हें कैसे बताएं हम, टिंडर के जमाने में सच्ची मोहब्बत छूट जाती है। वाह। और कुमार विश्वास जी से हम इंस्पायर्ड हैं तो उनकी भी एक कविता सुनाना चाहेंगे, चार पंक्तियां। कि मेरा अपना तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं, वाह, कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं, बिछड़ कर उनसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। वाह, कोना दिक्कत में बानी हमरा से बताएं? कोनो दिक्कत नहीं के, कोनो बात हो कि हमसे बताओ ना, तो हर दोस्त यार लोग हेल्प कर तो कि हम करब, हमहू यही के रहे वाला है गोरखपुर से, हमहू बानी, कोनो बात है हमसे बताइए, हम तो हर मदद करब पहुंचाई वहां तक बात। जरूर जरूर, एकरी बात अमूल पर मुलाकात हुई वही ना, एकदम एकदम चाय पियल रहे हमने के बड़ी। अच्छा ये बताइए तक के हो, यहां के कि कहीं बाहर के? फिलहाल तक के हूं नहीं के।
अगर केहू नहीं खेत इतना दर्द आवत कहां से भाई निकल के। लड़का में बहुत रोष बा उनका प्रति, जे भी बा उ सावधान रहे काहे कि उनका फ्यूचर यही लिखल बा। उनका की एकदम मैकेनिक बन के गांठ के बांध दे एकदम, ठीक बा जी। कह दैला तू कार के इंजन हुआ तू काम फिट कर देता नहीं, तेरा क्या कहीं जाएगा नहीं के, ठीक बा। चला कोनो बात ना बा, दुख दर्द जीवन में आवेला घबराए के ना चाहिए। समय है कबो देवदास बनावेला कबो भगवान के दास बनावेला, जेकरा के भगवान दास कहल जाला। लेकिन देवदास से बढ़िया भगवान के दास बना, सज्जी सुख सुविधा तेरा के एगो समय इला पे भेटाई, ठीक बा। सुगर मेहरारू भी मिली और सुगर काम भी भेटाई। धन्यवाद जा, खूब गदाई ला, खूब फुलाई ला और खूब बड़का नाम है कैंपस से करत। प्रतिभा हमेशा कोनो परिचय के मोहताज ना होला, जिकरा अंदर होला वो अपन परिचय खुद बना लेला। समाज में अगर रउआ में कुछ भी स्पेशल बाटे तो के आपके हमेशा दिखावे के चाहिए, जवन भी गुड़ों के छिपावे के ना चाहिए। चाहे बढ़िया गावे आवे, चाहे बढ़िया नृत्य करे आवे, चाहे बहुत बढ़िया बोले बतियावे आवे, आई ये कैंपस में उसे ही कुछ फूल छिपा के रखल गई बा। आज हम ओकरा के रउआ समक्ष दिखा रहल बानी, केहू सुनावत है, केहू झिमावत है, केहू गा के, केहू नाच के। आई तब बुलाई अगला प्रतिभागी के। कैसे समराय दू गो काम, एगो माइकवा के बोला लो दोस्त दोस्त के, अच्छा इतना संगतियां हुए। माइक इनका मुंह लगे लगाओ। का नाम बा राउर? हम पकड़ लेते नहीं, का नाम बा बोले? अनिमेश कुमार सिंह। अनिमेश बने, अनिमेश का करे वाला बने रहुआ? सॉन्ग गाने वाने सर। तो हम जानते हैं गिटार टोल काम वही का और का मार रहे थोड़ी मैसे के ओके। और का करे नहीं यहां कैंपस में? सर कैंपस में मेरा सेकंड ईयर है बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर में का खेले रहनी सही से बता एक बार? फर्स्ट ईयर में सर घर से पढ़ाई करी थी, बाकी ना रहनी? हां नहीं सर, तब तो कुछ कहलो ना, कुछ जी आई तो ही ना करी, जी आई ना तो घर से थोड़ी ना कुछ कर पाई। अच्छा ठीक बा, चली बाद में बात है, खूब बढ़िया परफॉर्म करी, ठीक बा। मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैयां 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 सैयां, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं, सैया 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 सैया। डाउट चोर गुल के मजा आ रहा बा, ई लोग भी इंजॉय कर रहा बा और हमारा उम्मीद बा रउआ लोग भी इंजॉय कर रहा बानी। आई आगे बढ़े की अगला खेला रचे के स्वागत बा। कमी पूरा इंजीनियर। हेलो एवरीवन। अरे बाप रे हमारा डर लगा था रउआ से। नाम मेरा विशेष राय है और मैं एमसीए फर्स्ट ईयर से हूँ। ये लोग आप देख रहे होंगे ये इंस्ट्रूमेंट का नाम, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माउथ ऑर्गन। ये बेसिकली एक कहें तो इनडायरेक्टली इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है क्योंकि इसमें हिंदी के सारे सुर नोट्स लगते हैं, तो वही में एक सॉन्ग है 1959 से है अपना दिल तो आवारा, वो मैं इसमें प्योर इंस्ट्रूमेंट के रूप में मतलब यहाँ दिखाऊंगा। काम बोले हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं बाप तो। ई होने इंजीनियर यही तरह के हमारे बोली वोली बंद है।
बंद आप कोनो काम में ना बाबा आगे तो ही के बोले के बाम बोला बिना सर माइक पकड़ना पड़ेगा किसी को अच्छा ठीक मामला हम पकड़ लेता है लेकिन हमारा से बोला लोलो काम खत्म है ये बोलिए हमारा काम माइक पकड़ लगे रही माहौल बनल बाटे माहौल के रोगे के ना बा और जमावे के बा एकदम इतना जमावे के बा कि सब असही एकदम टीवी से चपक के बैठल है आई आगे बढ़े के और आमंत्रित करके अगला स्टूडेंट के बा आजा स्वागत बा ओकर का नाम बा और प्रशांत मिश्रा प्रशांत जी कहां के रहने वाला बानी गोंडा के रहने वाला गोंडा जी गोंडा से गोरखपुर का करे पढ़े जी जी बिल्कुल और क्या क्या करे गोरखपुर में आके गोरखपुर में बस पढ़ाई होती है थोड़ी मस्ती होती है बस थोड़ी मस्ती होती है और बाकी पढ़ाई होती है कि थोड़ी पढ़ाई होती है बाकी मस्ती होती है थोड़ी ही पढ़ाई होती है बाकी मस्ती होती है कब से रहूंगा गोरखपुर में बानी लगभग 6 महीने हो गए छह महीना से बानी 6 महीना में गोरखपुर के सबसे बढ़िया चीज रहूंगा कि का लागेला यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं है ना और कुछ ना अच्छा लागेला ताली बजाओ भाई इनका बदे भाई कुछ खास दिखा नहीं है लोग बढ़िया लगते हैं मतलब कुछ खास है नहीं गोरखपुर बस लोग अच्छे हैं लोग अच्छे हैं लड़का कितना एकदम नर्वस मुंह पे कुछ खास उसने आवा बस लोग अच्छे हैं बाकी तो सब बेकार है गोरखपुर में कहे के क्या मतलब बताल बेकार भी नहीं है मतलब ठीक ठाक है ठीक ठाक है ठीक ठाक है ध्यान दीजिए आप लोग गोरखपुर वाले सब लोग कि गोरखपुर में सब लोग ठीक ठाक है बाकी लोग अच्छे हैं चलो तो हर बात हम समर्थन ना करो फिलहाल बाद में बताइए क्या करे वाला बड़ा रहुआ यहाँ पे मैं यहाँ पर एक गाना गाने जा रहा हूँ पंकज उदास जी की एक गजल है आगे बढ़े की और बुलावे की अगला स्टूडेंट के जी कितना दमदारी से अपन दावेदारी पेश करी आई देखल जा प्रणाम प्रणाम अरे हम गोड़ छुआता नहीं खुश रहिए हाँ आशीर्वाद दे हमरा के अरे मैं हौसे वाली का बात बाक आशीर्वाद लेहल जाला हर स्त्री में हर लड़की में मातृत्व होले माता होले बहन होले भगवान से जुड़ल रहला तो हम पैर छू ही लेते आशीर्वाद न भेटा ये बुरा माने वाली बात थोड़ी ना हमें स्वागत बरा और का नाम बा ऐश्वर्या सिंह ऐश्वर्या बानी यहाँ के इन नाम रा और की रख ले वो कुंडली वगैरह में निकलता है ना कुंडली उंडली वगैरह में कैसे निकलता है यही नाम हमारा नाम हमारे पापा पता नहीं अजीब टाइप के कान कहता देने इतना सुगर हमारे कुंडली में नाम का है ना आयल आपका क्या नाम है जितेंद्र सिंह अंशु अच्छा तो नाम है ना हम ऐश्वर्या खान थोड़ी ना बा तार नाम बहुत सुगर बटे धन्यवाद चलिए राउर स्वागत हम कह दिले बानी का करे वाला बानी रहुआ गाना गाएंगे गाई हम सुनल चाहता नहीं बहुत ललाइत बानी तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना
इतना बता दूं तुझको, चाहत में अब भी मुझको यूं तो नहीं इक्तिया। फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछो तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना। अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं क्यों ना। मुझको ना इतना मुझ पे, इतना इस दिल को तुझ पे, होने लगा एतबार। अपने तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं क्यों ना। क्यों ना, क्यों ना, अरे बार ताली बजाओ इनका बदे भाई। ये तरह कहबू तो केहू नहीं दिल के पता दे, कबू ना दे। हम खड़ा होके तब से कहते नहीं, अब चुपई है, अब चुपई है, अब चुपई है। तार खो गए थे ना गाने में, गाने में खो गए थे कि कहीं और खो गए थे। ऐश्वर्या के भाई गाना और अंदाज जरूर बेमिसाल रहा, लेकिन सबसे कुछ बढ़िया हमारा लागल ना तो तुम्हारे खोवलपन। बहुत बढ़िया लागल ऐश्वर्या, खूब आगे बढ़ा, खूब नाम रोशन कर अपना कैंपस के, माई बाबू के, ठीक बा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाजी। का नाम बराओ? रत्नेश कुमार। ओकरे पहले क्या बोलने यहाँ? अच्छा, माय नेम इज रत्नेश कुमार। रत्नेश जी कहाँ के रहने वाला बानी रहूँगा? रायबरेली। रायबरेली से यहाँ पढ़े आए बानी? यस सर। ये होला गोरखपुर। देखिए असली गुणवत्ता के बात बात है कैंपस के बा, यहाँ की पढ़ाई के बा, यहाँ की स्टडी के बा, यहाँ उस सगरो कोर्स अवेलेबल बा जवन के आज के परिवेश में हर स्टूडेंट, हर माई बाप अपना बच्चा लोग के करावे जात रहल बानी। चाहे उनका चाहत बा कि हमार लड़का या लड़की ही पढ़े, तो रहुआ यहाँ आयल बानी तो कौन चीज़ के पढ़ाई कर रहा था? नहीं, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करता? नहीं, कौन सा साल है? थर्ड ईयर। अच्छा, मतलब अब पारे घट हो गई बा। तीन साल में का क्या कहीं नहीं तो बताई। अरे सर, डेढ़ साल तो घर में निकल गया। डेढ़ साल कलेजमा निकल गया? तेरी की तो डेढ़ साल में कलेजमा में क्या क्या गुल खिलाए हैं आप, हमसे यो बताइए। नहीं कुछ खास नहीं। कुछ तो खास जरूर होगा। अरे सर, अब बता नहीं सकते ना। बता नहीं सकते हैं, ऐसा गुनाह के लिए बड़ा? इतना भी नहीं। हाँ, तब कौन डर बात है जब बता नहीं सकेला था। देखो हमारे कॉलेज में मतलब एक चीज थोड़ी ना होला, बहुत कुछ होला। हो सकेला डेढ़ साल में बढ़िया दोस्त बना ले, हो सकेला डेढ़ साल में बढ़िया अपन काम कर ले, हो सकेला डेढ़ साल में दोस्त लोग से बुराई बतियो ले जाके। तू डेढ़ साल में बहुत कुछ होला, नाम रोशन कर ले, ठीक बा। क्या करे वाला बड़ा? सर मिमिक्री करेंगे। मिमिक्री करेंगे बा, कलाकार है लौंडा, करा। हाँ तो यार एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि एक बिल्डिंग में ऐसी ना आग लग गई। आग लग गई, समझ रहे ना क्या लग गई? आग है ना। तो यार हमारे इरफान सर मतलब पहुँचे वहाँ पे, है ना। तो अरे भैया ये यहाँ पे का मतलब कैसे आग लगी यहाँ पे कैसे? अरे भैया कुछ नहीं, हम ऐसे जा रहे थे, देखे बिल्डिंग में से आग लग गई। अच्छा अच्छा, मतलब इसे आग लग गई मतलब है। अच्छा चलो ठीक। तो अरे भैया देखो, अब हम तो यहाँ पे रहे नहीं, हम तो पहुँच गए ऊपर हैं, लेकिन भैया एक बात सुन लो, कान में ना बत्ती बना के भर लो, हम है पान सिंह तोमर, हमसे आगे ना कोई। तो ये देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ कि कुछ कलाकार आए और देखते हैं कि बिल्डिंग में आग लग तो गई, अब बचा पाते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आए अपने रवि किशन। अरे अद्भुत बाबू, अद्भुत बाबू, जिंदगी झंड बाबू, जिंदगी झंड। भैया वो झंड बंद तो ठीक है, ये आग जो लगी है बचा? अरे भैया आदमी मर रहे हैं वहां पर। अरे बाबू ये प्रचंड ज्वाला की अग्नि बाबू, ये ज्वाला में जल के आदमी किरदार बाहर निकली बाबू, ये आग नहीं बुझनी चाहिए बाबू। अरे भैया लगता है इनसे ना आग वाग बुझ नहीं पाएगी हैं। तो इसके बाद हमारे अमरेश पुरी सर। अरे अरे राजो, लगता है अपनी सिमरन भी इसी बिल्डिंग में फंस गई है। अरे भैया सिमरन तो चलो खैर ठीक है, लेकिन ये जो आग लगी है इनका क्या करोगे? अरे इन हराम के पिल्लों को बोटी बोटी कटवा कर कुत्तों के सामने फेंकवा दूंगा। तो अब देखते हैं इसके बाद आए हमारे मिथुन दास है ना। ए, कि मैं ये जानता हूँ एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है।
लेकिन अरे भैया हम भी जानते हैं हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत बहुत ज्यादा होती, लेकिन आग का क्या करें। मैं ये जानता हूँ कि बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन आग से मैं डरता हूँ, इसीलिए मैं चलता। एक से एक यहाँ खेला हो रहा है, एक से एक प्रदर्शन की आप लोग सिलसिला देख रहे बानी। काफी ज्यादा प्रतिभावान है कि छात्र छात्रा लोग बैठे, इतना बढ़िया कैंपस के, इतना बढ़िया कॉलेज के कब से लेके आज तक के इतिहास बनल बा, एकरा बारे में भी जाने के हमारे बहुत ज्यादा मन बा। हमके पता बा लाखों करोड़ों लोग हमनी के देखा था, सबके जिज्ञासा आखिर कैसे कैसे ये सब तैयार होला, कैसे कैसे इतना बढ़िया स्टूडेंट बनावल जाने। आई उस सब कुछ जाने के और ये कैंपस के बारे में भी जाने के, और हम आमंत्रित करब एक कैंपस के कुलपति माननीय डॉक्टर जेपी पांडे जी के। एक जोरदार ताली रउआ लोग भी बजाएं और सर स्वागत बा। सर स्वागत बा और अभिनंदन बा। काफी सारा लोग हमने के MH1 भोजपुरी के माध्यम से लाखों करोड़ों पूरा हिंदुस्तान पूरा जहान देख रहा बा। आज इतना खूबसूरत हमने के कैंपस में बानी, सबके जाने की जिज्ञासा बा हमरा भी कि एक कैंपस के शुरुआती चरण कैसे रहा, कब से एकर न्यू पड़ल, का एकरे पीछे के इतिहास बा। ये सबसे पहले 1962 में ये इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई है, और आप ये समझ सकते हैं कि आज की डेट में गोरखपुर से जब लोग स्टेशन से आते होंगे उस समय 1962 में तो क्या स्थिति रही होगी। 1962 से ये कॉलेज के रूप में चल रहा था और 2013 में ये विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है, और काफ़ी बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और बहुत सारे एलुमनाई ऐसे हैं जो इस विश्वविद्यालय के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, जो बड़े ऊंचे पदों पर हैं देश में भी विदेश में भी। ये इसकी यात्रा रही है और यात्रा बहुत ही पुरानी है। उत्तर प्रदेश में दो इंजीनियरिंग कॉलेज एक साथ खुले थे, एक MNIT इलाहाबाद में और ये मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में। सर आपके कैंपस में काफ़ी तरह के आगे बढ़ावे वाला शिक्षा के प्रारूप उपस्थित बाटी, का शिक्षा यहाँ पे प्रदान, का शिक्षा के यहाँ पे प्रदान कर जाला जैसे छात्र लोग आके अपन जीवन के स्वावलंबी बना पावेला, आगे अपन आपके स्टैंड कर पावेला। विश्वविद्यालय में जो मुख्यतः पढ़ाई है वो टेक्निकल रही है, हम लोगों ने BTEC का कार्यक्रम शुरू किया था, पहले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग था जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, यूनिवर्सिटी के बाद इसको BTEC में कन्वर्ट कर दिया गया, और अभी BTEC के अतिरिक्त हम लोगों ने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA शुरू किया हुआ है, MCA चल रहा है, MBA चल रहा है, BBA की छात्र हैं हमारे साथ, फार्मेसी के छात्र इस साल आए हैं, और PhD है हमारे यहाँ, MTEC हमारी 12 विधाओं में है, तो ये कुल मिला के हमें छात्रों को एक ऑलराउंडर बनाना है जिनको टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए, चाहे BBA का लड़का हो वो भी टेक्नोलॉजी सीखेगा, फार्मेसी का लड़का हो वो उसको भी हम लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाना है, MSc के छात्र हैं हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी के साथ अगर इन विधाओं का विकास किया जाए, पढ़ाया जाए, तो इन छात्रों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। सर एक बात और जानना चाहिए कि आप सब स्टूडेंट लोग के का सीख देने की अपना भविष्य निर्माण में सबसे ज़्यादा कौन ऐसा चीज़ होला जो सबसे ज़्यादा रोल हम अदा करेगा। सबसे पहले इनको एक आम नागरिक बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं, फार्मेसी करेंगे आप, फार्मेसी फील्ड में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। क्या बात है। बाकी जो चीज़ें ये पढ़ रहे हैं उसमें एक्सेल करना है, और ये सभी जो हमारे छात्र हैं यही इस विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या बात। ये जहाँ भी जाएंगे वो विश्वविद्यालय को लेके जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, इतना बढ़िया बात बताने, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दर्शकगण रहुआ देखने की कैंपस के इतना खूबसूरत बनौला में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के जवन भी अध्यापक गण बने, जवन भी यहाँ के फैकल्टी बा, जे भी यहाँ के कुलपति बानी, सबके सहयोग से इतना बढ़िया स्टूडेंट, इतना बढ़िया पढ़ाई के तौर तरीका ए लुक के अंदर आयल बटे, इतना एंटरटेनमेंट भी बा, इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई भी बा, लेकिन आगे का खेला होके वाला बा, खेला ही खत्म ना हो, इतने ही ना बा हमारा पास, बहुत कुछ बा रहुआ लोग बदे, आए आगे बढ़ेगे और देखल जा के वो प्रदर्शन के सिलसिला आगे बढ़ा होता। स्वागत बा। क्या नाम बरा और? हमार नाम अच्युत अरविंद बा। रिसियात का है बाड़ा हमरा से तू? रिसियात नहीं की?
खुश बाड़ा भोजपुरी बहुत बढ़िया बोला ताड़ा बागी बलिया से हैं भोजपुरी हमार शान है भोजपुरी हम मिजाज बा खाटी अंदाज बा का करे वाला बानी हम अपन आवाज बदले वाला बानी एगो लड़की के आवाज में बात करे वाला अच्छा लड़का के आवाज लड़की के आवाज हो जाए जल्दी सुनाई हमऊ के करे के बा ठीक बा तो सीन कुछ ऐसा है एक प्रैंक कॉल जाता है एक जगह ठीक है हेलो हेलो माय डियर हेलो हेलो हां प्रशांत कैसे हो माय डियर हेलो प्रशांत हां हेलो हेलो प्रशांत मुझे भूल गए मैं तुम्हारी आयशा बोल रही हूँ आयशा बोल रही हूँ कौन आयशा अरे वही आयशा जिसको तुम गोरखपुर लेके गए थे अरे गोरखपुर वा उहे गोरखपुर जहाँ की योगी जी बाणन ओ जा हमरा के ओयो में घुमैले रहला ओयो में और एडिशन ब्लू में लेके गई रहला भुला गई ला इतना जल्दी कौन बोल रहा है अरे तोर जाने मन तोर दिल के धड़कन अरे यार बहुत कुछ मत बोला इतने कुछ बहुत ज्यादा बाटे हम बोल ले यार हेलो हेलो ई कौन बात बोले यार हमरा लागल कुछ और करे वाला बाड़ा वैसे जवन भी कैला बहुत खतरनाक कैला जे दिल ना हमरो के बहुत मारी है तारा के पाई तो तुहार चश्मा टोपी सब छीन ले ठीक बा इतना जल्दी ना केहू के तरह कॉल जाला ठीक बा ऐसा कोनो बात ना बहुत बढ़िया बतियोला खूब बढ़िया से पढ़ा खूब बढ़िया से लिखा अपना कैंपस के नाम रोशन करा और का पढ़त वाली वो बता के जा मैं यहाँ रासायनिक अभियंत्रिकी विभाग में बीटेक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ द्वितीय वर्ष बा भाई बहुत यहाँ मेहनत करेंगे बा ठीक बा ताली बजाए इनका मत विदाई नहीं आगे बहुत बहुत धन्यवाद आई आगे बढ़े की और अगला स्टूडेंट की इन्वाइट करेंगे देखे की का उनका अंदर प्रतिभा की लोहा छिपल बा आई स्वागत बा क्या नाम है आपका निशान कुमार मिश्रा निशान जी एक कैंपस में कब से बानी रहूंगा पढ़ाई कब से कर रहा बानी 2019 से हम यहाँ दोस्त बनाए बढ़िया दोस्त है बहुत सारे दोस्त हैं पूछ रहे हैं तो दोस्त लोग ये बताई रहूंगा साथ जब कैंटीन में जाके बैठ के चाय वाय पिए ला तो क्या बात बतियावे ला अभी खुले में तो नहीं बता सकते इसको अच्छा चला अकेले हमने के मिल ले तब बतिया जाए हमरो के कैंटीन में लेके चलिए यही है कैंटीन बगल में बना चल ले जब बैठल जाए चाय भी पी ले और जो बात लो बतिया ला सुनल भी जाए हम वो बतिया ठीक बा क्या करे वाला वानी रहूंगा हम एक सॉन्ग अपना खुद के लिखा ला नहीं नहीं ऐसे ही गाना अरिजीत सिंह का गाना है अरिजीत सिंह का गाना है लौंडा बहुत दर्द में है दिल का दरिया बह ही गया इश्क मुसाफिर बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक बिदम तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम वाह 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 ताली बजाएंगे बजे ये बताइए कॉलेज में आप इतना नाम कमाए आपके दोस्त लोग हूटिंग मचा ही रहे हैं एकदम हाँ, बताइए भोजपुरी में कुछ बोलते होते हैं मैं भोजपुरी में बोलते हैं लेकिन मेरा भोजपुरी बहुत बेकार है बोल दे रहे हैं अभी बोल दी भोजपुरी में हाँ क्या बोले बा कि हमार दोस्त लोग ठीक ना है हमार दोस्त लोग ठीक ना है मर्द ना बोल बोला था हुआ मतलब दोस्त लगता है ठीक ना नहीं बढ़िया है बढ़िया ना देख ला भाई सर कोनो बात ना बात तू लोग बढ़िया हुआ और तहूं बहुत बढ़िया वाला खूब बढ़िया लागल मजा आ गया ताली बजा दे इनका बजे बहुत बहुत धन्यवाद निशान गर्दा मचा दिया ने स्वागत करी अगला स्टूडेंट के अब देख ला जाऊ का करे वाला बाने की बाड़ी आ जा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून प्रणाम बा का नाम बा और अयोनी पांडे अयोनी इतना बढ़िया नाम के रख ले बा पापा पापा मम्मी तरह की ढेर माने लेगी पापा दोनों लोग मानते हैं तो नाम मम्मी कह दे पापा कह देने क्योंकि पापा पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं तो ये दुर्गा सप्तशी में से नाम रखा है अयोनी की मतलब क्या होला अयोनी का मतलब ये होता है कि जो कि अजन्मा हो मतलब जैसे सीता जी का नाम था अयोनी जा अच्छा। तो अयोनी का मतलब होता है जो अजन्मा हो मतलब जो जन्म न ले ले ओके मतलब किसी एक उद्देश्य के लिए जन्म लिया हो और वो उद्देश्य पूरा करके और उद्देश्य का बा अभी तो मेरा उद्देश्य है कविता सुनाना अच्छा आगे के क्या उद्देश्य बा आगे तो अभी मैं फार्मेसी कर रही हूँ तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाना चलिए ठीक बा कविता सुनाई अगर बात बतिया जाए मेरी कविता कोई फन नहीं है बहुत एक मोटिवेशनल टाइप है बहुत बढ़िया ताली बजाई लो बस सुनी तो टाइटल है समय का पहिया ठीक है
पेड़ों पर बने घोंसले पारदर्शी से हो जाते हैं पतझड़ में, ना होती है कोई अता ना पता कि कब किस ओर उड़ जाएं, कब किस रुख में मुड़ जाएं, किसकी आंधी के साथ कब कहां बह जाएं। पर वो उड़ते नहीं, इंतज़ार करते हैं, डटे रहते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा के नैनों से वसंत की ताक में रहते हैं। दूर खड़ा वसंत भी चुपचाप ये सब तकता है, हौसले के आगे वो भी आखिर झुकता है। धीरे धीरे चंचल से वो पग अपने रखता है, कुछ ही पल में यूं हरियाली का ऐसा उत्सव छा जाता है कि एक भी वृक्ष का घोंसला पारदर्शी ना रह जाता है। घोंसले की सीख ये वृक्ष सबको बतलाता है, जो कर्म तुम्हारे हैं बस यही हैं तुम्हारे, बाकी पूरा खेल संसार का समय के पहिए पे चलता जाता है। तुमने कर्म किए तो फल अवश्य आएगा, हक कभी न ये मेहनती के हिस्से का ये हक कभी न खाता है, और बस इसी तरह पल दिन बरस बस समय का पहिया चलता जाता है। क्या बात है, अयोनी की बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा। खूबसूरती से इनकर कविता के उद्देश्य रघुवा लोग जननी कि समय के हिसाब से अपना हिसाब से ढाली, खुद की वो हिसाब से बनाई है ना, मतलब हाँ जी, और उकरे चक्र के अनुसार रहूंगा जब चल अब तब निश्चित तौर पे सफलता एक दिन राउर कदम चूमी, ये ना हाँ जी, बहुत बढ़िया अयोनी, इतना बढ़िया रहूंगा लिखा था नहीं, आगे भी लिखी और हमेशा कोशिश करे कि समाज में एगो बढ़िया शिक्षित समाज के निर्माण होके, ताकि एगो उसे देश हमनी के बहुत आगे जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम बनाओ? जयंतिका। जयंतिका वाली, जयंतिका स्वागत बनाओ। कहाँ के रहे वाला बानी? गोरखपुर। गोरखपुर में कहाँ से? रायगंज। रायगंज से रोज पढ़े आवे नहीं वहाँ से? हाँ। अच्छा, कैसे आवे नहीं? बस से। बस से कोना सिटी पे बैठ के आवे नहीं? कॉलेज की बस। कॉलेज की बस से कोनो सीट पे बैठ जाने कही? हाँ। तो बस था अपन बा। हाँ। ना रही तो अपन बस चला ले जाए, वैसा हूँ लड़की लोग आजकल बस अपन बहुत चलावता। सही बात है, लड़कियों आजकल लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। यही बात हम कहावल चाहते रहने की लड़की लड़का से बिल्कुल पीछे ना बाड़ी, बल्कि कपारे के ऊपर हो गई बाड़ी। हाँ ना, ऐसा बा का ना बा? सही बात बा, ऐसा ना बा कला के मतलब ये बा कि आज के परिवेश में लड़कियां किसी से कम नहीं है। लड़की कोनो भी प्रोफेशनों के अपन एगो उच्चतम दर्जा बनावत आड़ी, और हर बेटी के हर परिवार में जे भी लक्ष्मी बा होके चाहे कि जितना बढ़िया शिक्षा के अवसर होके प्रदान करी, अपना परिवार में पल रहल बढ़ रहल हर बिटिया की आगे बढ़े खातिर प्रोत्साहित करी। गाय कोनो बढ़िया गाना लग जा गले, लग जा गले लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, कि फिर आपकी नसीब में ये रात हो न हो। इतना जोर जोर से गोने की हमरा ना सुनात रहला गावत नहीं रहूंगा, बतियावत बानी इतने धीरे धीरे सखी से बतियोतु बानी का जी, मेरी आवाज ही ऐसी है। इतना छोट आवाज में ना इतना बड़का गाना ना गावे के चाहिए, जो धीरे धीरे होके जोन बढ़िया बढ़िया चुगली वाला बात होके वो बतियावे के चाहिए खाली। अच्छा, तेज आवाज में गाए? अब रहे दी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद बा, आगे और लोग भी गाई ना। ठीक है, ठीक बा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ताली बजाएंगे। आप स्वागत बा आपके, क्या नाम बा? श्रेया सिंह। और आपके? प्रगति सिंह। श्रेया और प्रगति का करे वाला बनी रहूंगा? गाना गाने। गाए और खूब बढ़िया गाए, ठीक बा। ला 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 ला, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हाँ मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, हाँ मिल जाए इस तरह दो लहरे जिस तरह, फिर हो ना जुदा वही
अपना कहां तू है जहां मैं हूँ वहां अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। बहुत बढ़िया श्रेया प्रगति, बहुत सुंदर राहुल गायकी राला। दिल के बात रहूँ अपना गाना के माध्यम से कहनी, जज्बात से जहाँ भी कहे कि बा ओकरा के कहब जरूर, ठीक बा। पढ़ाई काशी से कर रहल बानी रहुआ? सिविल इंजीनियरिंग और आईटी। उड़ीसिया के कहे बोलते हैं, झगड़ा बड़ा के लोग का लोग? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इतना जल्दी जल्दी हमरा ना समझ में आयला, कोनो बात ना, खूब बढ़िया से पढ़ी आगे बढ़ी, ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। का नंबर आओ? तनिष्क शुक्ला। तनिष्क जीवानी यहाँ के, तनिष्क कब से यहाँ पढ़ाई रहुआ कर रहा बानी? 2 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कहाँ पढ़े नी? जनपदीय अभियंत्रण विभाग से हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। कौथा सेकंड ईयर? सेकंड ईयर, ठीक बाटे। पढ़ाई जारी रखी है और करी का वाला बानी? शेर कहने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ खुद की रचना जी। अरे वाह, शुरू करें। तो सबसे पहले महफिल देख करके एक शेर है कि महफिल सजी शानदार है, सुनने वाले सभी शानदार हैं, और यहाँ से जब भी मैं निकलूँ एक आस होगी कि आप लोग भी कहें यार ये शुक्ला लिखता शानदार है। बहुत लोग कहते हैं कि दिल टूटे मतलब आशिक हो क्या ऐसे लिखते रहते हो, तो उनको एक जवाब लिखा हुआ था कि क्या पर्वत की ऊंचाई नापने से पहले उस पर से कूदना ज़रूरी है, क्या पर्वत की ऊंचाई नापने से पहले उस पर से कूदना ज़रूरी है, या समंदर की गहराई नापने से पहले उसमें डूबना ज़रूरी है, तुम ही बताओ यार। क्यों कहते हो कि मोहब्बत पे लिखते हो दिल टूटे आशिक हो क्या, सबकी परेशानी दूर करने से पहले खुद परेशान होना ज़रूरी है। दोस्त सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लिखा हुआ था कि बड़े दिनों से दोस्तों के संग महफिल जमाने की ख्वाहिश हो रही थी, बड़े दिनों से दोस्तों के संग महफिल जमाने की ख्वाहिश हो रही थी, साथ बैठे चाय पर सभी तो किसी के गम किसी के खुशी की नुमाइश हो रही थी, वापसी में सभी की आंखें नम थी, वापसी में सभी की आंखें नम थी, मैंने बाहर आकर देखा तो सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी बारिश हो रही थी। शुक्रिया। बहुत बढ़िया जज्बात राव, इतना बढ़िया लेकिन ही बहुत सुगर लगा। शुक्रिया। लाउड जोन अपना दोस्त लोग से प्रेम बना ये हमेशा बरकरार रहे, ठीक बा, रहेगा। जय हो, थैंक यू। रहुआ अपन इतने प्यार बनौले रही हुई हमने के खास प्रोग्राम जोन रहुआ लोग के द्वारा प्रिय बनावल गेल बा, के देखत रही जेकर नाम बा कॉलेज। हमने के खास चैनल के माध्यम से यानी MHO1 भोजपुरिया। तब तक खातिर इजाजत दी, विदाई दी, जय माता दी, जय हिंद। Thank you.